नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बीकी न्यूज सच का साथ। बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमेन ने समाजवादी पार्टी के साथियों सहित नवीन मंडी स्थित जहां पर क्रय विक्रय सहकारी समिति गेहूं खरीद केंद्र का किया निरीक्षण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने समाजवादी पार्टी के साथियों सहित नवीन मंडी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति गेहूं खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। वहां उपस्थित किसानों से वस्तु स्थिति की जानकारी ली। श्री सुमन ने कहा कि स्थिति बद से बदतर है। भाड़े के ट्रैक्टर ट्रॉली में गेहूं भरकर 4 दिन से लेकर 7 दिन तक किसान इसे खरीद केंद्र पर पड़े हैं और कोई उनकी सुत लेने को तैयार नहीं। खरीद केंद्रों पर हो रहे शोषण के संबंध में स्थानीय प्रशासन का निरंतर ध्यान आकर्षित किया जाता है, लेकिन गेहूं खरीद केंद्रों पर आज तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा नहीं अपितु खरीद केंद्र पर अपनी सुविधा अनुसार गेहूं की खरीद करते हैं। भारी मात्रा में गेहूं लेकर जब किसान इन केंद्रों पर पहुंचते हैं तो उन्हें आधा अधूरा ही गेहूं खरीदने का भरोसा दिलाया जाता है।